नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हमने सबने व्रत रखा है, मैं आज व्रत के चावल ही बनाऊंगी। तो दोस्तों ये मैंने एक कटोरी ये व्रत वाले चावल ले लिए हैं, इसको हम सुआंख के चावल बोलते हैं। मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। मैंने चावलों को धो लिया है। अब मैंने इधर तीन चार मिर्चें काटी हैं, थोड़ा सा धनिया है। ये दोस्तों जो चावल है ना वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैंने ये दो आलू को उबाल लिया है। अब मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसको काटूंगी। ये आलू कट गए तो मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैं ये घी डालूंगी। घी क्योंकि हम वनस्पति घी डालेंगे, इसमें हम तेल नहीं बरतते, तेल को हम नहीं खाते नरातों में। कोई भी व्रत हो हम तेल नहीं खाते। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। जो मैंने मिर्च काटी है वो डालूंगी। अब मेरी मिर्च भी पक गई है। अब मैं इसमें ये आलू डालूंगी। अब मैंने जो हल्दी और थोड़ी सी मिर्च और नमक इकट्ठा ही ले लिया। ये हमने लाजम से लिया है, जो हम रोज बरतते हैं उससे नहीं लिया, क्योंकि हमारा आज व्रत है। जो हम पक गए हैं और मसाला भी मेरा भूज गया है। मैंने जो कौली ये बड़ी कौली मैंने चावल की एक ली थी, अब वही कौली से मैं पानी डालूंगी। पानी मैं तीन कौली डालूंगी। चावल डाल देती हूँ। चावल अब मैंने डाल दिए। जब इसको एक उबाला आ जाता है फिर ये बन जाएंगे। थोड़ा ये बहुत जल्दी बनते हैं। अब दोस्तों ये देखो भाई 5 मिनट हो गए हैं, देखो मेरे कितने बढ़िया ये चावल बने हैं। ये देखो इतने बढ़िया चावल बनकर तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ और इसमें इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और ऊपर से धनिया डाल दूंगी। इसके ऊपर थोड़ी देर ढक्कन दे दूँ, खोल कर दिखाती हूँ। अब दोस्तों ये देखो चावल कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको ये प्लेट में सर्व करके बताती हूँ। ये चावल ऐसे ही बनते हैं, ये दूसरे चावलों की तरह नहीं बनते, टेस्टी भी होते हैं। साथ में मैंने दही लिया है। तो ये देखो मेरे जी व्रत के चावल
तैयार है। अगर आपको आप भी इसको बनाए दे देखो जल्दी जल्दी कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पड़ता भी नहीं है और आप लोग इसको बनाए खाएं और जो भी हो सब सब खाएं। बहुत ही ये हैवी नाश्ता हैवी नहीं होता और इसको खाने से पेट भी ठीक रहता है। ऐसे जो तला मला खाने से ये चावल बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो बेल कौन की बेल का बटन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।